दुर्भाग्य है सबके लिए, देश में कानून और व्यवस्था है। अब्बास कासगंज जेल में बंद हैं, उनकी कई तीन दो तीन चार मुकदमा तो मऊ में चुनाव के दौरान उनके खिलाफ लिख दिया गया आचार संहिता उल्लंघन का, दो तीन मुकदमे और उनके ऊपर हैं। एक जब वो नेशनल चैंपियन हुआ था, गोल्ड मेडल मिला था उसको निशानाबाजी में, तो उसने अपने लाइसेंस को, जो यूपी का लाइसेंस था, दिल्ली ट्रांसफ़र करा लिया था, उसमें क्या कमियां रह गई उसको आधार बना के एक मुकदमा, एक वहां की लखनऊ की एक ज़मीन को लेके एक मुकदमा, एक गाज़ीपुर की किसी ज़मीन को लेके मुकदमा, ये सब लिखवाया गया है। ज़्यादातर मामलों में उसकी जमानत हो गई है, दो मामले ऐसे रह गए हैं जिसमें अभी एप्लीकेशन उसकी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इसमें उसको शामिल कराने के लिए सीधा सा है कि पेरोल का नियम है कि पुलिस कस्टडी में किसी के परिजन की अगर इस तरह से मौत होती है तो उसके दाह संस्कार या मिट्टी में शामिल होने के लिए किसी को दिया जा सकता है। इस आधार पर हाईकोर्ट में दरखास्त दी गई, लेकिन अफसोस ये रहा कि जिस कोर्ट में ये दरखास्त पड़ी और जहां सुनवाई होनी थी, चूँकि वो MLA हैं इसलिए MP MLA कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है, तो वो कोर्ट उस दिन बैठी ही नहीं। सुबह में बताया गया कि लंच में बैठेंगे, लंच में बताया गया कि आज जज साहब बैठेंगे ही नहीं, तो जब बैठेंगे नहीं तो डिसाइड नहीं हुआ, और जब डिसाइड नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, तो जेल से निकल के आएंगे कैसे। नहीं, ये तो हमारी लीगल टीम इस पे विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर ऑलरेडी मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने कर रखा है कि मेरे पिता को यूपी की जेल से किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जब पंजाब की रोपड़ जेल से भेजा था मुख्तार को यूपी की जेल में, तो उस वक्त ये डायरेक्शन दिया था कि इसके स्वास्थ्य संबंधी इलाज पर गंभीरतापूर्वक जेल सुपरिटेंडेंट को जिम्मेदारी निभानी है, और आवश्यकता पड़े तो कहीं भी भेज के इलाज कराना है। तो वो जेल स्टैंड कर रहा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर। नया आर्डर जब ये हुआ तो इन्होंने स्टेट को नोटिस की, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ने बेअरल्फी दी कि मुख्तार की यूपी के जेल में बहुत ही अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था है पूरा विवरण लिख करके दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको डायरेक्शन दिया कि ये जो व्यवस्था है इसकी फिर से समीक्षा किया जाए, और आवश्यकता किसी और चीज़ की है तो इसमें और वो सुरक्षा बढ़ाई जाए, और इस दरमियान में उनके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर भी विशेष दृष्टि रखी जाए। उसके बाद ये हुआ है, 8 घंटे और 10 घंटे में व्यक्ति आता है, ICU में भर्ती होता है, ICU से वापस जेल में जाता है, जब वो व्यक्ति चलने फिरने की भी स्थिति में नहीं। तो ये पूरा वेल प्लान्ड है और पूरी तरह से मिल करके इस तरह से ऐसा किया गया। बैठा लोते तो हमारा ये डिस्टर्ब ना होता, बैठ जाइए हम बात कर लेंगे, आप इनको कहिए बंद करा दें। स्वाभाविक है, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंत्री रहे हैं। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1996 से लेके 2022 तक विधायक रहे हैं, 25 सालों तक वो लाखों जनता का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो उनके एक सदन के सदस्य इतनी लंबी अवधि तक, बहुत दिनों तक उसी पार्टी में जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य थे उसी में मुख्तार अंसारी भी रहे हैं, तो एक ऐसी दुखद घटना है। आम लोग विचलित हैं, और उसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे। देखिए, कोशिश की जाएगी, अभी से कुछ नहीं कर सकते, हम 40 दिन का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम तो चाहेंगे कि हफ्ते दो हफ्ते के अंदर हम जमानत, रेगुलर जमानत पर भी उसको निकालने की कोशिश करेंगे।